नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव, आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की एक खास खबरें। आता है यहाँ पर है एमआईएम से रिजवाना इसा खान जी, जो कि महिला मुंबई अध्यक्ष हैं। इनका एक नाम भी है, लोगों के काफी एक्टिविटी रखते हैं लोगों के अंदर में। आज यहाँ पर उन्होंने एक मैसेज लोगों को जो जनता के बीच में देना चाहते हैं कि कैसे काम किया जाता है, महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा दी जाती है, महिलाओं के लिए एक्टिविटी क्या दी जाती है। उन्होंने जो है कि एक आज यहाँ पर नसीब के जोड़े पहला साल जो उसके लिए हम बात करते हैं कि क्या एक्टिविटी देना चाहती हैं। आइए हम मिलते हैं रिजवाना इसा खान जी, जो महिला की मुंबई अध्यक्ष हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप जो ये नसीब के जोड़े पहले साल का जो प्रोग्राम रख रहे हैं उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कैमरे के ऊपर। जी, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि कोविड के जो बुरे हालात से लोग गुजर रहे हैं, अभी तक के लोग उभर नहीं पाए, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है लोगों की, तो वो हालात को देखकर हमने ज़मीनी तौर पर जब लोगों से रابطہ किया तो हमें ये एहसास हुआ कि लोग कितने वाकई परेशान हैं आर्थिक स्थिति, रोज़गार को लेकर, हर चीज़ को। तो उस समय जो बच्चियों की शादी होने वाली थी तो वो शादियाँ रुक चुकी हैं, मतलब एक गरीब माँ बाप घर का खर्चा चला या शादी करें। तो वो हालत को देखते हुए हम सभी बहनों ने यहाँ पे आज मीटिंग ली और सभी ने एक फैसला लिया कि नहीं, अभी ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही उसकी पहचान है, मतलब लोगों की तकलीफ में खड़े होना, ये हमारा काम है, ये असद साहब का काम है। आज असदुद्दीन उवैसी साहब जो आवाज़ लगाते ना, तो वो लोगों की तकलीफ है, जो लोगों की तकलीफ को वो बयान करते हैं, तो वो चीज़ हमने भी देखा। आज हमने फैसला लिया कि जो कोविड के चलते हालत को देखते हैं, हमने जो देखा है कि माली हालत ठीक नहीं है, लोग अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे, गरीब यतीम बच्ची आज घर में ऐसी बैठी है, तो हमने निर्णय लिया कि हम ये इज्तिमाई निकाह रखेंगे 24 अक्टूबर के दिन। और 24 अक्टूबर के दिन पहला साल है और इस निकाह का, इज्तिमाई निकाह का नाम दिया है नसीब के जोड़े। मैडम, आपने बहुत अच्छा ये जो चॉइस किया है नसीब के जोड़े, आपने मतलब कि जोड़ने का लोगों को काम कर रही है। तो अभी तक कितने मतलब ऐसे लोगों को आप एक्टिविटी दे चुकी हैं या मदद दे चुकी हैं, बताएंगे? ये जो मैं बता रही हूँ, अभी जो हमने आज घोषणा की है वो पहला साल है। अभी लोगों का कहना है कि इलेक्शन है, लोग ये कर रहे हैं, मजलिस वो कर रही है, ये गलत बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर समय खड़ी है, दिन रात आपके साथ काम कर रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही उसकी पहचान है। तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन को देखते हुए नहीं कर रहे हम, ये इस साल तो करेंगे और इंशाल्लाह हर साल करेंगे, इसलिए हमने एक नंबर यहाँ पे दिया है कि ये पहला साल नसीब के जोड़े पहला साल क्यों दिया है, क्योंकि ये पहला साल है और इंशाल्लाह हर साल 24 अक्टूबर के दिन ये कार्य होता रहेगा मुंबई महिला विंग की जानिब से। मुंबई मलाड जहाँ पे आप इस समय है, मालोनी का एरिया लगता है, यहाँ पर बहुत ऐसे लोगों का कहना है कि बहुत सारी तकलीफें हैं, जैसे भी आप एक तकलीफ लेकर के यहाँ पे महिलाओं की मदद कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? मलाड की बात कर लो तो यहाँ पे बहुत ही हालत वैसे गंभीर है, खराब है, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, ये उनका काम है देखना। फिर भी हम जितना होता है, यहाँ पे कार्यालय जब खुला है तो जाहिर सी बात है 10 लोग का आना जाना लगा रहता है, लोगों से रابطہ बनता रहता है, लोगों की तकलीफों में जितना हो सकता है उतना मस्जिद इत्यादि काम कर रही है, मेहनत कर रहे हैं हम। आप भी एक महिला है और आपके अगल बगल में इतने सपोर्टर खड़े हैं महिला के रूप में, तो आप महिलाओं के लिए, आप एक खुद महिला हो, क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखो, एक महिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो एक बहने जो यहाँ से घर से निकलकर एक समाज को सुधारने का काम करती है, तो ये अपने आप में एक गर्व है, क्योंकि जब महिला निकलती है तो वो गर्व के साथ काम करती है, क्योंकि वो भरोसा उनके अंदर मौजूद होता है। ये जो बहने हैं, एक धारावी तालुका अध्यक्ष है, एक मलाड तालुका अध्यक्ष है, एक डिंडोशी तालुका अध्यक्ष है, यहाँ चांदीबाई तालुका, मतलब मेरे यहाँ के जो भी तालुका अध्यक्ष है, ये सभी जिम्मेदार मेरी बहनें यहाँ पे खड़ी हैं और उनकी मौजूदगी में हमने घोषणा की है, और ये मेरी बहनें अपने जमीनी स्तर पे हर जगह पे हर तालुका में काम करती चलती हैं। अपनी पार्टी के जरिए से लोगों तक मैसेज क्या देना चाहती है? मैं अपनी पार्टी के जरिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कहना चाहूंगी संदेश कि मजलिस का जो काम है, जो कार्य हो रहा है, वही कार्य को देखते हुए आप लोग मजलिस में आइए, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब, तो उनको तो लोग बहुत चाहते हैं, और साथ जुड़िए, हम बताना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पे हम काम कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे सराखों पे हम उसी तरीके से करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।